भी टूट गया। चार छक्के मारे आसिफ अली ने एक ओवर में, मतलब आप देखिए जब ये ओवर शुरू हुआ है सेकंड लास्ट 24 रन दो ओवर में मैच बना हुआ था, लेकिन आसिफ अली ने इसी ओवर में चार छक्के मार दिए। क्या प्लेयर है यार आसिफ अली। मैं तो कहूंगा ये बाबर आजम की बराबरी कर रहे हैं, अगर बाबर आजम ऊपर से रन बनाते हैं में ज्यादा तो बड़े मैच में आसिफ अली मैच खत्म कर रहे हैं। पिछला मुकाबला में तीन छक्के मार के खत्म किए थे और आज तो देख लीजिए छक्कों की बारिश कर दी। शायद थोड़ी देर पहले आप यही कह रहे थे कि राशिद खान शायद 19वां ओवर डालेंगे, बट पता क्या उससे पहले करवा तो गए ठीक है ना, भी वो आउट भी करके बाबर को, उसी ओवर में बाबर का कैच भी छूटा लेकिन लास्ट ओवर तक पहुंचे ही नहीं। फिर भी यार जिस तरह का एक मैच था, इधर से उधर उधर से उधर, और चूंकि विकेट गिर रही थी अचानक से बाबर आउट, शोएब मलिक आउट, मुझे लगता है दो ओवर में 24 रन दिक्कत आ सकती थी। लेकिन आसिफ अली क्या बैक करते हैं यार, क्या पाकिस्तान में, मैंने सुना कि जब इनकी सिलेक्शन हुई थी तो लोगों ने बड़े सवाल उठाए थे कि आसिफ अली रन नहीं बनाते हैं, आसिफ अली टीम में क्यों है, और भाई साहब आसिफ अली ने दो मैच जिता दिए पाकिस्तान, वो मैच आसिफ अली ऐसा नहीं है। अब ये हाल हो गया है कि पिछले मैच में जब उनको बॉल लगा था तो आज ये श्योर नहीं थे ना कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे मैच, लेकिन पाकिस्तान टीम ने सोचा होगा सब छोड़ो पहले इनको रेडी करो, इन पे ध्यान दो, क्योंकि जितने बड़े वो मैच विनर निकल कर आ रहे हैं, जो जैसे सर भी बोल रहा कि जिस तरह से मतलब बैक टू बैक मैचेस जिता रहे हैं, निकाल रहे हैं, और इतने प्रेशर सिचुएशन में आकर वो, हालांकि मुझे लगा था और अब मुझे लगा जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे यार अगर अफगानिस्तान 135 रन बनाएगा वो लड़ेंगे, चलो उन्होंने तो 147 बना दी और उसके बाद आपने चूंकि रिजवान आउट कर दिया। अच्छा पाकिस्तान का क्या हुआ ना, बाबर उस अंदाज में नहीं खेले लेकिन बाबर सामने से रन बनवाते रहे, एन वक्त पर बाबर ने एक ही ओवर में कैच दिया फिर वो आउट हो गए, शायद वो एक डिसाइसिव मोमेंट था, और शोएब मलिक भी आउट पाकिस्तान की। लेकिन राशिका आई एम सॉरी, आपकी जो आप जो कपड़े पहन कर आई थी लाल हेलमेट अफगानिस्तान के लिए, दिल तो जीता ही है, दिल जीता है, आप दिल तो जीता अफगानिस्तान ने बहुत उनके पास तीन स्पिनर्स थे, आठ ओवर जो फास्ट बॉलरों के थे ना मीडियम पेसर्स के वो ढीले, आपको एक क्वेश्चन किया था कि क्या पाकिस्तान उनके हर एक बॉलर के लिए बहुत प्रिपेयर्ड आएगा, तो ये बोला था कि राशिद ने बहुत अच्छा बॉल डाला है, लेकिन तुरंत आपने दूसरा सेंटेंस भी बोला लेकिन बाबर ने बैटिंग भी बहुत अच्छी की, दिख रही है बाबर पे वो जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे दिख रही है कि वो कोई भी रिस्क नहीं ले रहे। राशिका एक चीज है, मैं सरप्राइज्ड हूं कि बाबर आउट हो गए, अब उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि आज बाबर वो बैटिंग कर रहे हैं जो शायद किसी जमाने में विराट कोहली ने शुरू किया, क्योंकि विराट भी तब क्या होता था, विराट भी ही वाज लाइक अ कैलकुलेटर, कब क्या कैसे करना है, और वो चीज अब बाबर की गेम में दिखती है। बाबर की सबसे अच्छी बात क्या दिखती है, वो बड़ी शॉटे मारे ना मारे लेकिन उनको दुक्का चाहे कहाँ चाहिए, सिंगल कहाँ चाहिए, वो सिचुएशन खेलते रहे, इसीलिए मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ कि बाबर आउट हो गए, और जिस शॉट पर वो आउट हुए और चूंकि एक बॉल पहले उनका कैच छूटा था तो सरप्राइज था। बाबर के पास वो तरीका है, आज आई थिंक बाबर का वक्त भी है, बाबर को कॉन्फिडेंस भी है, बाबर के पास वो स्किल भी है, लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि आप कप्तान, आप बैट्समैन के तौर पर जो मर्जी रन बना लो लेकिन कप्तान के तौर पर जब सामने से रन बनवाते हो। आसिफ अली, मुझे पाकिस्तान के जो फैंस हों जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हों, आई डोंट नो कितने लोग हैं हमारे साथ, लेकिन पाकिस्तान के जो फैंस हैं क्रिकेट के शौकीन हैं वो अपने आप से दिल में सवाल करें कि क्या उन्होंने आसिफ अली के बारे में आज से चार दिन पहले सुना था, सोचा था कि आसिफ अली आपके इतने बड़े मैच में लगेंगे, उस दिन न्यूजीलैंड वाला मैच भी हार जाते, आज अफगानिस्तान वाला मैच भी वो हार जाते। आसिफ अली ने जो ये सात छक्के मारे हैं, मतलब इन अ मैटर ऑफ व्हाट अबाउट ये 15-18 बोले उनको आसिफ अली ने इनको सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। आसिफ अली को उनका रोल पता है, उन्हें जाके मैच फिनिश करना है और जाके ऐसी सिचुएशन उनको हमेशा हर बार दी जाएगी और वहां से उन्हें मैच को आगे ले। मुझे लगता है कि हमको बहुत क्रेडिट देना चाहिए जो भी परफॉर्मेंस ही पाकिस्तान की आ रही है बाबर आजम को स्पेशली, क्योंकि मैं मतलब ऑनेस्टली बताऊं दिल से कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मैंने ये सोचा था कि बाबर आजम शायद उतनी अच्छी कैप्टनसी ना कर पाए, वो अपनी अगर कैप्टनसी पे बहुत ध्यान देंगे तो शायद वो बैटिंग उस तरह से ना कर पाए, लेकिन वो जिस तरह से दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं
जबकि ये उनको दिमाग में पता है कि पाकिस्तान में अगर कैप्टन कोई भी एक गलत कॉल ले ले या कोई गलत डिसीजन ले लिया उन्होंने मैच हार गए, उनकी कप्तानी पे बात तुरंत आ जाती है और बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं वहाँ के लोग कि कैप्टन को ये कर दो वो कर दो। वो सब कुछ मुझे लगा कि अगर बाबर आजम अपने दिमाग में लेकर आएंगे तो टूर्नामेंट में शायद वो इतना खुलकर ना खेल पाए। मुझे इधर देखना है कि इधर देखना है, नहीं नहीं आपको सीधे ही देखना है, बिल्कुल सीधे देखना है, क्योंकि कई सारे कैमरास हो गए देखिए दोनों 11 पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो ओवरऑल सारे के सारे परफॉर्मेंस देख रहे हैं। मतलब मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बाबर आजम जिस तरह से खेल रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं कमाल। अफगानिस्तान के ओपनर्स आए कहीं ना कहीं शाहीन अफरीदी की जो बॉल थी, हो सकता है मोहम्मद शहजाद थोड़ा सा डर डर के खेल रहे थे या रुक रुक के खेल रहे थे, शहजाद डर के खेलने वालों में से नहीं है। नहीं मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि शुरुआती समय में 3 या 4 ओवर में क्या शहजाद की बात नहीं, कर रहे हैं वो कि डर डर मैं मोहम्मद शहजाद की बात इसलिए कर रहा था सर क्योंकि हो सकता है 1 या 2 ओवर में थोड़ा रुक रुक के कैसे बोल दिया आपने डर डर के खेल रहे हैं शाहीन जिसमें गोलियां नहीं रहती आवाज आती है। अच्छा मैच हुआ लेकिन बहुत अच्छा मैच हुआ है जो एटमोसफियर जो ग्राउंड में, अब हम तो यहाँ पे बैठे हैं स्पोर्ट्स तक के नए स्टूडियो में, हमें जो महसूस हो रहा था क्या एटमोसफियर रहा होगा ग्राउंड में। अफगानिस्तान मैंने पहले भी कहा था वो कोई एक बड़ा मैच जीत सकता है, भाई देखो इंडिया को भी खेलना है, पहले इंडिया को न्यूजीलैंड को हराना है फिर अफगानिस्तान खेलना है। अफगानिस्तान गुड टीम, अफगानिस्तान अपने अपनी ताकत को उन्होंने बैक किया, टॉस जीत कर उन्होंने कहा हमने तो बॉल ही डालना है, हमने बॉल ही डालना है। और उन्होंने देखो मैंने भी सोचा था 147 रन वो बोर्ड पर लगाएंगे अगेंस्ट दिस पाकिस्तान अटैक, उन्होंने बोर्ड पर लगा दिए इतने रन, वहां से मुझे लगा था 50-50 मैदान का आउट होना, करते 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 पाकिस्तान ने मौका दिया। बट आई थिंक इन दी एंड आसिफ अली के ये 4 छक्के आप निकाल दे राशिका द मैच कुड हैव गॉन ईदर वे। आसिफ अली इज द स्टार, आसिफ अली एक अनहेराल्डेड प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान में, आई डोंट नो क्या हो रहा होगा क्योंकि उनकी टीम जब 2009 में जीता था लीग मैचेस में क्या परफॉर्मेंस थी, इंग्लैंड से हार गया नहीं, लेकिन आज मैच अच्छा हुआ अफगानिस्तान के लिए, सीखने को मिलेगा उनको। अफगानिस्तान को अब इंडिया खेलने आएगा तो इंडिया हल्का थोड़ी लेगा, न्यूजीलैंड उनको खेलेगा तो न्यूजीलैंड हल्का थोड़ी लेगा, कोई टीम इनको हल्की नहीं लेगी। राशिद बोल्ड इज हार्ट आउट, बट सर जी बोल्ड इज हार्ट आउट, नबी ने बॉल अच्छा डाला, दिक्कत आ गई उनके 8 में, अब वो 8 वही मेरा सवाल है सर कि उनका स्पिन अटैक जितना ही लीथल लगता है वही जो उनका पेस अटैक है उतना ही ऑर्डिनरी दिखता है, इवन आउट हो जाता है। तो टीमें मुझे लगता है कि उनको टारगेट कर रही हैं कि चलो राशिद को संभल के खेल लो, मुजीब को संभल के खेल लो, नाबी को संभल के खेल लो, लेकिन बाकी के 8 ओवरों में वो तो लूट मचाएंगे, वो तो है ही, वो 8 ओवरों में तजुर्बा। देखिए आज अगर आप ओस में बॉल डाल रहे थे आप रिस्क ले रहे थे, लेकिन क्या उनके बॉलरों पे वो कोच का असर बिल्कुल नहीं, राशिद का बॉल ग्रिप हुआ, राशिद का बॉल जबकि 10 ओवर के बाद गेंदबाजी करने आए थे वो, मुजीब ने भी दिक्कत, लेकिन उनके मीडियम पेसर्स को आई, उनके मीडियम पेसर्स को उसमें दिक्कत आई। अच्छा अफगानिस्तान की फील्डिंग भी आप देखें, इट वाज वेरी स्लो, कैच बॉल उन्होंने कैच भी छोड़े, अच्छा उन्होंने सिंगलों के तुक्के भी किए,